हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बहुत ही बढ़िया होगे। और फ्रेंड्स, मैं भी बढ़िया हूँ एकदम। और मेरी यहाँ चाय बन की रेडी है, लेकिन दूध जब मैंने चाय के लिए रखा था तो निकल चुका है। तो अभी मुझे चूल्हा साफ़ करना है। अभी मैंने चूल्हा साफ़ किया था, फिर से साफ़ करना है। तो आप लोगों ने अगर चाय नहीं पी है तो चाय पी लीजिएगा। और मेरी चाय बन के तैयार है। यहाँ डुग्गू आ गया बिस्किट लेके, तो अपनी चाय इंजॉय करते हैं। और अपनी चाय आए पी के मैं नहा के आई, और नहाने के बाद मतलब ऊपर आ गई हूँ वो छत पे, तो अपने बाल वगैरह सुखाने के लिए, क्योंकि बरसात का मौसम तो है ही। तो बालों को ना अगर ना बांध लो ना तो बाल पूरी तरीके से चिप चिप हो जाते हैं। तो बाल तो हवा में सुखाने के लिए मुझे, जब भी धोती हूँ बाल सुखाने के लिए मुझे ऊपर आना पड़ता है छत पे। आज तो खैर बहुत अच्छी धूप है, कपड़े भी धो के डाल दिए हैं, और मौसम भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। एक दो दिन धूप इसी तरीके से हो जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और हमारी खेती है जो बाजरा वगैरह बोया है वो भी शायद जम नहीं रहा है कि जम गया है, पता नहीं, समझ में नहीं आया। दो बार फसल बेकार हो गई। पहले बोया था तो बारिश नहीं हुई थी, नहीं पहले बोया था तो बरसात ज़्यादा हो गई थी, इसलिए बाजरा ना गल गया था खेतों में। और अब बो दिया है तो बारिश बहुत ही कम हो रही है, तो समझ नहीं आ रहा मौसम का क्या चल रहा है। लग रहा है इस बार तो कोई फसल नहीं होगी हमारी, बस हमको लॉस ही होगा। तो यहाँ अपना बाल वगैरह फटपटा लिया, जो भी सुखाना था तो मैं ये खड़े होके सुखा रही थी। और आज मैंने बनाया है, मतलब अभी तो कुछ नहीं बनाया, मैंने कल शाम को बनाया था कढ़ी। तो कढ़ी रखा हुआ है, तो देखती हूँ मैं सब्जी बनाती हूँ या नहीं। तो फिर मैं आ गई थी नीचे और मेरा फिर क्लेचर रह गया था, तो मैं क्लेचर को लेने ऊपर जा रही थी। क्यों, और मैं फटाफट से अपना क्लेचर लेके आती हूँ, ऊपर ही रह गया था। तो कंघी नहीं करूंगी बालों को, लेकिन नेल पेंट और क्लेचर। मैंने मॉर्निंग का ब्लॉग थोड़ा सा ही शूट किया था, फिर ये है दूसरे दिन का मॉर्निंग का। तो जब मैं नहाई नहीं थी तो सोचा था नहाने से पहले कुछ साफ सफाइयाँ कर लेती हूँ। किचन का कुछ कूड़ा कचरा जो भी निकला था वो मैंने इधर पटक दिया है, तो इधर का फ्लोर वगैरह जो भी है साफ सफाई करूँगी। उससे पहले मैं कर लेती हूँ अपना फ्रीज साफ। तो फ्रीज की सारी ट्रे मैंने निकाल ली है, मतलब बाहर निकाल ली है, तो इनको आज मैं सिंक में साफ नहीं कर रही। सिंक में बड़ी परेशानी आती है, इसलिए मैंने सोचा आज बाहर अच्छे से खुले में मतलब अच्छे से साफ़ कर दूंगी। तो ये चूनी लेके आई हूँ, मतलब इस चूनी से ना ये मतलब ये कांच है ना ख़राब नहीं होता, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और जो बर्तन वाला चूना होता है मैंने पहले ट्रे पे लगा दिया, जब ट्रे साफ़ की थी तो ट्रे पे लगा दिया तो ट्रे पे स्क्रेच आ गई थी और मिरर पे भी आ गई थी। तो उस दिन से मैं मतलब उस वाली जूने से, बर्तन वाली जूने से ये मिरर साफ़ नहीं करती। पहले मुझे मतलब पता नहीं था कि इससे स्क्रेच आ जाएगी, इतना दिमाग ही नहीं दिया था। तो यहाँ मेरी ट्रे, मतलब मैंने सारी ट्रे पे जूने लगा दी है, अब इनको वॉश कर करके साइड में रख देती हूँ, फिर सूख जाएंगी। फिर सूखे कपड़े से पोंछ के मैं फ्रीज में लगा दूँगी। तो फ्रीज मेरा साफ़ हो चुका है, तो मैं अभी आप लोग को अपना फ्रीज भी दिखा दूँगी। फ्रीज एकदम क्लीन पड़ा है।